वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप सभी के फेवरेट कंटेस्टेंट की सैलरी, यानी कि सभी कंटेस्टेंट को एक हफ्ते का कितना पैसा मिलने वाला है खतरों के खिलाड़ी में। सो गाइस, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते थे, तो हमने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स को ये बताया जाए कि आपके फेवरेट जिन कंटेस्ट को देखने के लिए आप कर रहे हो बेसब्री से इंतजार, उन लोगों को खतरों के खिलाड़ी में जाकर कितना पैसा मिला है, इन सब में से कौन कौन है हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, यानी किसको मिला है सबसे ज़्यादा पैसा। सो गाइस, एक एक करके हम सबके नाम के साथ उनका सैलरी बताने वाले हैं कि उन वो लोग एक हफ्ते आप कितना पैसा ले रहे हैं और इन सब में से कौन है हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि टोटल 13 कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया कौन कौन से तेरह कंटेस्टेंट जा रहे हैं वो भी बता देते हैं एक वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो चेक करेंगे तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले कंटेस्टेंट के नाम के साथ उनके पैसे की कौन है और किसको कितना पैसा मिल रहा है। सो गाइस, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को एक हफ्ते का खतरों के खिलाड़ी में कितना पैसा मिल रहा है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन कंटेस्टेंट। नंबर वन पे आए मुनावर फारूकी। सो गाइस, मुनावर फारूकी हाल ही में ही लोकअप जीते हैं। लोकअप को जीतने के बाद मुनावर जाने खतरों के खिलाड़ी में, एज यू ऑल नो डेट। सो गाइस, हम आपको बता रहे हैं मुनावर को मिल रही है 6 लाख रुपए, वो भी एक हफ्ते, यानी कि एक हफ्ते मुनावर 6 लाख रुपए कमाने वाला है खतरों के खिलाड़ी में। देखते हैं मुनावर कितने हफ्तों तक खतरों के खिलाड़ी में टिकते हैं। किस किस के फेवरेट कंटेस्टेंट कमेंट में बताइएगा। सो गाइस, नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं आप सभी के फेवरेट मिस्टर फैजी। सो गाइस, मिस्टर फैजी आप सभी के फेवरेट हैं और गाइस आप भी जानना चाहते हो कि फैजी को कितना मिल रहा है। सो गाइस, हम आपको मुनावर से थोड़ा कम मिल रहा है फैजी को। फैजी को मिल रहा है 5.5 लाख, यानी कि 5.5 लाख रुपए फैजू को मिल रहा है। सो गाइस, मुनावर ने एक रियलिटी ऑलरेडी कर लिया, इसलिए मुनावर को फैजू से ज्यादा मिल रहा है। आपके फेवरेट तो फैजू कमेंट में बताइए, और क्या आप फैजू की सैलरी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं ये भी बताइएगा। सो गाइस, नंबर थर्ड पे आते हैं मोहित मलिक। सो गाइस, मोहित मलिक एक एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे टीवी शोज में काम किया, लेकिन इनका भी ये फर्स्ट रियलिटी शो होने वाला है। इन्होंने रियलिटी शो तो नहीं किया लेकिन टीवी शोज जरूरी किए। सो गाइस, मोहित मलिक को 3 लाख रुपए मिल रहा है खतरों के खिलाड़ी में जाने का। सो गाइस, पॉपुलैरिटी के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। नंबर फोर की बात करें तुषार कालिया। तुषार कालिया एक डांसर, एक कोरियोग्राफर है जिन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज को जज भी किया है। सो गाइस, तुषार कालिया को मिल रहा है 5 लाख रुपए। आप में से किस किस के फेवरेट है तुषार कमेंट में बताइएगा। सो गाइस, नंबर सिक्स पे अगर हम बात करें तो नंबर सिक्स पे आते हैं राजीव आदित्य, जो कि हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 में हमें नजर आए थे। सो गाइस, राजीव बिग बॉस तो नहीं जी, लेकिन देखते हैं क्या राजीव खतरों खिलाड़ी जीत पाते हैं या नहीं। सो गाइस, हम आपको बताते हैं राजीव को टोटल एक हफ्ते का 4 लाख रुपए मिल रहा है, यानी कि राजीव एक हफ्ते में 4 लाख रुपए ले लेंगे। देखते हैं राजीव कितने हफ्ते तक टिकते हैं। और कैसे नंबर सेवन पे आते हैं निशांत भट्ट। सो गाइस, निशांत भट्ट को आप जानते हो, वे कोरियोग्राफर भी और हाल ही में बिग बॉस में नजर आए थे। सो गाइस, हम आपको निशांत को एक हफ्ते का 4.5 लाख, यानी कि 4.5 लाख रुपए निशांत को एक हफ्ते का मिल रहा है खतरों के खिलाड़ी में। सो गाइस, अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मेल कंटेस्टेंट। सो गाइस, अब हम बात करते हैं मेल कंटेस्टेंट में सबसे लास्ट जो कि आते हैं नंबर सेवन पे प्रतीक सहजपाल। सो गाइस, हम आपको जो प्रतीक सहजपाल हाल ही में बिग बॉस 15 में नजर आए थे, बिग बॉस 15 के रनर भी बने थे, यानी कि शो को जीते जीते रह गए थे। सो गाइस, देखते हैं क्या खतरों के खिलाड़ी को प्रतीक जीत पाते हैं या वो भी रनर बन के या रहते ही जीते जीते ही रह जाते हैं। आप में किस किस के फेवरेट प्रतीक कमेंट बताइए। सो गाइस, अब हम आपको बताते हैं प्रतीक आखिर एक हफ्ते की खतरों के खिलाड़ी में कितना पैसा लेने वाले हैं। सो गाइस, प्रतीक खतरों के खिलाड़ी में एक हफ्ते का 7 लाख रुपए लेने वाले हैं, यानी कि सभी मेल कंटेस्टेंट में प्रतीक ही हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, वो भी मेल कंटेस्टेंट है। लड़कों में बाजी मारी है प्रतीक ने सबसे ज्यादा पैसे लेके। सो गाइस, टोटल 7 कंटेस्टेंट, टोटल 7 मेल कंटेस्टेंट इस बार खतरों खिलाड़ी का हिस्सा होने वाले, जिन सातों के हमने आपको पैसे बता दिए कि उनको एक एक हफ्ते का कितना पैसा मिला। इन सब में से आपका कौन फेवरेट है कमेंट में बताएगा। और गाइस, अगर आपको जानना है फीमेल कंटेस्टेंट, 6 जो फीमेल कंटेस्टेंट वो लोग कितना पैसा कमा रही है, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल तक, यानी कि हम कल की वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, इन सब मेल कंटेस्टेंट में कौन है आपका फेवरेट और प्रतीक बन चुके हैं इन सभी मेल कंटेस्टेंट में हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, आपका कौन है फेवरेट कमेंट बताइए। और फीमेल की सैलरी जानने के लिए कि फीमेल में से किस लड़की ने बाजी मारी है सबसे ज्यादा सैलरी लेके, उसके लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जानने के लिए कल की वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे कि लड़कियों में किसने बाजी मारी। लड़कों में तो प्रतीक ने मारी सबसे ज्यादा पैसे, लेकिन देखते हैं लड़कियों में किसने मारी। जानना है तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बता पे किस किस को देखना है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूं आपको खतरों के खिलाड़ी के अपडेट को पाने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब।